हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ब्लॉग चैनल यूके 11 पहाड़ी ब्लॉगर में। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। मौसम बनाते हुए धीरे धीरे से हरी हरी घासों के बीच हमारा आज का सफर शुरू हो रहा है। क्या मौसम बना हुआ है आज का यार, मन तो ऐसा कर रहा है जैसे कूद जाऊं मौसम के अंदर। चलिए फिर आज के शॉर्ट से शुरू करते हैं हम। चलिए यार मोहना तेरा आँखों में बसी सामने बधाण की चोटी जो वो दिख रही है सामने, वो बधाण की चोटी है वहाँ बधाणगणी टेम्पल। ये गांव काफी घने जंगल से गुजरते रहे हैं, तो जो गांव सामने दिख रहा होगा आपको, शायद नहीं दिख रहा है तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये गांव अभी जो सामने है, ये वाला गांव, ये गांव है आपका बुढ़जोला, कहे तो जोला गांव कह सकते हैं आप। ये वाला गांव जोला गांव कहलाते हैं। और यहाँ से अगर हम शॉर्ट से सामने देखें तो यहाँ तलवाड़ी के गांव आते हैं, कुछ विलेज तलवाड़ी के। तो इस तरह से हम आगे आगे का सफ़र शुरू कर रहे हैं। देखिए छालने बना कर रह रहे हैं, अपने काम के लिए यहाँ आते हैं प्रदेशों से, यानी कि दूसरे देशों से समझ सकते हैं आप। तो ये आते हैं विशेषकर इस तरह के काम करने, जैसे ये लीसी का काम है, ये है, ये है, पता नहीं आज ही नहीं पर पहले से भी आते हैं। और ये देखिए बैल, आप बोल रही हो समय से घंटी की आवाज़ें आ रही हैं, पर आ कहाँ से रही हैं, तो इन्हीं की गर्दन से ये आवाज़ें निकल रही हैं। तो आज हमारा शॉर्ट काफ़ी छोटा सा बनेगा। काफ़ी दिन बाद जंगल से आग लगी हुई थी, तो कल परसों के कुछ बारिश से कहीं कहीं पर ये देखिए हरी घास पड़ी मुश्किल से आ रखी है, हरी हल्की हल्की सी। ये देखिए वो भी बीच में चीड़ के पत्तों से ढक गई है आधे से। ये देखिए सामान्य पादप 29 उन्याड़ा, इसके छोटे छोटे ये देखिए यहाँ घुस के बैठे हैं। ये देखिए इनको पहचानते हैं लिंगोड़े के पादप, लिंगुड़ा, पहाड़ी लिंगुड़ा। ये देखिए इसके जड़ काफी बड़े रहते हैं ऐसा माना जाता है, मतलब जिनके जो इनके जड़ों को खड़ देगा मतलब उसको हिसोई हिंसोले के पेड़। आजकल तो नहीं लगे हैं आग के कारण, देखो कैसे सूख गए पूरे के पूरे, पूरी बर्बादी होगी इस आग के चक्र में। ये देखिए काफी कांटेदार है यार, इतना तगड़ा अगर किसी पे चुभ गया तो ये मत सोचना कि उसका क्या। लो मोहना तेरा आँखों में बसी गई, उनेड़े के पेड़ क्या छालनी बन रखी है। आह मन तृप्त हो गया मगर देखकर। ये देखिए हिसोई, ये देखिए पादप छोटे छोटे कैसे लग रखे हैं अभी, ये धूप की चमक आ रही है। ये देखिए चलो कहीं छांव से दिखाते हैं आपको। ये देखिए ऐसे पेड़ वृक्ष, हो सके तो आपको एक हिसोई भी दिखाता हूँ मैं पहाड़ की। ये देखिए क्या लग रहा है, वैसे पॉपुलर आजकल कहानी हो रहा होगा, हर कहीं ये उगे रहते हैं, जंगल हो या खेत, हर कहीं ये पेड़ देखने को मिलते हैं। हाँ छोटा पादप बता रहा था आपको, इतना बड़ा हो जाता है कभी कभार, खिल के देखिए ये देखिए
इतने बड़े बड़े, और ऊपर से फूल भी देखो कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। ये यहाँ पर देखिए छोटा सा तालाब, पर काफी सुंदर शॉट्स सनलाइट के कारण यहाँ से पानी आता है। अभी के टाइम पे अभी तो नहीं आता यहाँ पर पानी, बट जब बारिश का सीजन रहता है, चौमास जब कहते हैं पहाड़ी भाषा में, चौमास का महीने, उसी समय यहाँ पर पानी आता है और यहीं से जाता है ये पानी नीचे। ये यहाँ से देखिए पूरे नाले नाले बने हुए हैं और फिर से वहीं वृक्ष, और यहाँ पर तो क्या कहें, काफ़ी खूबसूरत उन्याड़े के पेड़। ये क्या शॉट्स दिख रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये एक ही ब्लॉग में कंप्लीट हो पाएंगे। अभी का ब्लॉग मुझे लग रहा है समाप्ति की ओर है, तो थोड़ा एक मिनट के शॉर्ट्स और दिखा देते हैं आपको, तो इससे आगे का बात के पार्ट में। ये देखें यहाँ आजकल थोड़ा बहुत पानी है, इसी पानी से जो यहाँ के जीव रहते हैं वो काम से रहते। पूरे पता नहीं किस चीज़ के फूल गए, ये वाले फूल गिर के उसमें आ गए हैं, और ये हिसोई आजकल नहीं लगी है, नहीं तो मैं आपको इसके अच्छे अच्छे शॉट से दिखाता। ये देखिए और ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए आप, ये काफ़ी सुंदर शॉट्स। आज के लिए इतना ही, इससे आगे के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कैसे पहाड़ में कल्चर होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय देवभूमि।